सीप के मोती। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जाने माने दिग्गज कलाकार, इंदौर घराने के सुविख्यात गायक पंडित अमरनाथ जी की बहुचर्चित सूफी ख्याल रचनाओं की यह एक छोटी सी अंतर यात्रा है। इसमें हम कुछ ऐसी गिनी चुनी ख्याल बंदिशें प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्हें पंडित जी ने जन्म देकर एक नई सूफी विचारधारा को जुबान दी। अच्छा, वो जो बाबा फरीद के जो बोल हैं उसका मतलब भी मैं आपको समझाता जाऊं। बड़े बहुत सुंदर बोल हैं, पर जानी में वो हजरत निजामुद्दीन के गुण थे। मंटकोरी में उनका मजार है और वो कहते हैं भावदा यारदा जो बना। देखो सूफीज्म है, वेदांत है पूरा, सूफी या वेदांत वाला, ये सब परमात्मा को मित्र के रूप में देखते हैं। वो इसी को इश्क मजाजी, जिसको पलट के इश्क हकीकी बनाते हैं, वो उसी रूप में देखते हैं। इसलिए कहते हैं भावदा यारदा जो बना दूजा नजर नहीं आता। इसका अंतर बड़ा ब्यूटीफुल है। अलफ मीन विच फर्क न कोई, अलफ मीन बना होता। अलफ मीन विच फर्क न कोई, अलफ मीन विच फर्क न कोई, अलफ मीन बना होता। अलफ मीन्स अल्लाह, मीन मीन्स मैं, वेदांत है अल्लाह में और मेरे में कोई फर्क नहीं। अल्लाह मुझ में उतर आता है, मैं ही अल्लाह के रूप में चला जाता हूँ। ये है सूफीज्म, ये है वननेस विद गॉड एज अ फ्रेंड। कुछ इसी तरह से पंडित जी की सूफी बंदिशें अपने नए अंदाज में कहती हैं कि जब भी प्रीत दरसती है उस निराकार का साक्षात्कार होता है। ये हमारे घराने की एक ऐसी स्थाई है, आत्मा परमात्मा से मिलती है और ये जगत रूपी घट जो है इसके अंदर एक ही आत्मा व्याप रही है और वही आत्मा भिन्न भिन्न होकर नजर आती है। और जब परमात्मा को हम याद करते हैं तो वो निराकार रूप है, वो निराकार रूप ही संसार में जब अवतार लेता है तो वो साकार हो जाता है। वो चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई भी हो, उसी का रूप होता है। ऐसा वर्णन इस स्थाई के अंदर। Yeah.
इंदौर घराने के बेहद प्रिय राग मारवा में पंडित जी की नई बंदिशें न हों, यह कैसे हो सकता है। दो खूबसूरत बंदिशें हैं, दोनों ही मीत के मनोदर्शन हैं। एक तरफ मितवा से मिलने का रास्ता है चिंतन का द्वार, और दूसरी तरफ यह दुआ कि मितवा का सिमरन बना रहे। चिंतन के द्वार लगी राग लिए मन का चमर साजब सच चमर सा। देखे बिन चैन न पाऊं पिहरवा तिहारी याद में, औरन सो तुम भले प्रीत करो मन के रंगीले, हमें भूल न जाना। एक बार पंडित जी ने ऐसी बात कही मानो एक बात में सारी ही बात कह डाली कि ये मेरी बंदिशें इंदौर घराने के माथे का तीसरा नेत्र है। राग सरस्वती में ये बंदिश सुनिए। Oh.
Started loving only when I started belonging to you. The day I loved you, the same day I started loving myself. अब उनकी प्रिय रागिनी शिवरंजनी को लेते हैं। इनमें दो बंदिशों का जोड़ा हमें मिलता है, मध्य लय में और द्रुत। दिस रागा इज अ फाइव नोट्स, नेम इज शिवरंजनी, टू प्लीज द गॉड Shiva. Yeah. Sa re ga pa da sa da pa ga re sa da sa da pa ga re ga pa da sa. This is the sketch of the notes. मैं अपने पिया का मुख अपनी तरफ कैसे करूं? प्रभु से भी तो हम यही मांगते रहते हैं कि आपका मुख हमारी तरफ से फिरे ना कभी। Koi raadhe tadamana
सत सोच न पाऊ सोचत सोच न और यूं सोचिए कि जहां इंदौर घराने को स्थापित करने वाले महास्तंभ पंडित जी के गुरु उस्ताद अमीर खान साहब ने हिंदुस्तानी ख्याल गायकी को एक नया संगीत दिया, एक नया रास्ता, वहीं पंडित अमरनाथ जी ने इस नए संगीत को एक नया पहरावा दिया, उसको नए नए बोल दिए, सूफियाने संगीत को सूफियाने बोल। घराने की यात्रा को जारी रखते हुए नाद में शब्द संजोए। राग कलावती में मीत और प्रीत की परम लीला में वैदेही की कैसी सुंदर व्याख्या बनती है, जरा सुनिए। इसी कलावती में एक दूसरी बंदिश है, इसके बोल बहुत ही सुंदर हैं। सफल भई देही पिया सुधलेही मितवा पायो परम सनेही। मेरा जीवन तभी सफल हुआ जब मेरे मित्र ने मुझसे प्यार किया। सफल भई देही पिया सुधलेही मितवा पायो परम सनेही। जाके सिमरन दुख बिसराएं दर्शन सुख उपजाएं।
वाही के मैं अंग लगी सब काया भई विदेही। जिसके सिमरने सिमरन करने भर से मेरे को सुख मिलते हैं, दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं, जब उन्हीं के मैं अंग लगी, उन्हीं के उन्हीं को मैंने अपना आप समर्पण किया, तो मेरी काया ऐसी हो गई जैसे है ही नहीं, विदेही हो गई, बिल्कुल मैं उसी में मिल गई, निराकार में मिल गई। तो इस ये बंदिश के ये भाव है। सफल बन दे सबल बल सुदर में तवा पर बसल ही सबल जाके सिमरन दुख बिसराए दर्शन सुख उपजाए वाई के मैं अंग लगे जब काया भरी विदेही सबल बन दे तरे धागा बदरी सा धागा बदनी सरी धग सरी धागा बदनी सरी धग सरी सा सरी धनी सा सरी धनी सरी धग सरी सा धागा बदनी सरी धग सरी धग sare da ba da ni sa ga ba da ni sa ga da ni ni da ba ga da ni sa ni sa ga ni da ba ga ni sa pa ga ta ga pa da ba ga sa ni da पंडित जी का तखल्लुस यानी मित्ररंग भी इसी मीत की अंतरगाथा का प्रतीक है। जैसे वे सदा कहते रहते, मुझे कोई मेरा सच्चा मीत मिल जाए, और इसी मीत की तलाश पंडित जी को आजीवन बनी रहती। वह मीत जो उनके मन और उनकी चेतना में स्वयं परम का ही ध्यान बन जाए। सूफी को हाल चढ़ते में एक अलौकिक प्रेरणा। इसी ध्यान वाली बात को लेकर देखिए राग कालिंगड़ा की इस बंदिश में नायिका क्या कह रही है। तोरा ध्यान चुराया समरे ओ रे
रे सोए रे, मैं तो चोरी करी तुम सो बिन पूछे, तोरा ध्यान चुराया साम दे सामे। दिस इज कालिंगड़ा। ओ दे सामे दे, ओ दे सामे दे, सामे सामे दे, मैं तो चोरी करी तुम सो बिन पूछे, तोरा ध्यान चुराया सामे दे, ओ दे सामे दे, तुम सोनी ठुर तोरी छाया, तोरी छाया तुम सोनी ठुर तोरी छाया, संग संग रहे परस न दे, योर शेड इज विद यू बट योर शेड डज नॉट अलाउ मी टू टच इवन यू योर शेड, संग रहे परस न दे, तोरी छाया तुम सोनी ठुर तोरी छाया, संग संग रहे परस न दे, छुपी छुपी लगन फिरे सामे रे, ओ रे सामे रे, मैं तो चोरी करी तुम सो। इसी अंदाज में राग भैरवी में उनकी एक चहिती बंदिश जानी रे सजन मैं तो जानी। एक छोटी सी कंपोजिशन भैरवी की सुनाता हूँ आप, उसके बोल जरा देखिए। देयर आर टू फ्रेंड्स and they are not on speaking terms but they want to, and ego is there, how to break that ego, then the girl says, she suggests rather, all right, don't speak to me but you just touch my tuner like this, don't talk to me, just touch my tuner and I will take it that you have talked to me, just I will take it, let it be your ego as you are, I'm just explaining the poetry part because it is very much neglected by the particularly khayal singers, so it is better if we try to understand and sing the way it is, otherwise what is the difference between instrumental and vocal? I mean, one better part of vocal is that you can render the poetry also, otherwise Yeah.
सजन जाने चिर सो रूठे तुम भये अभिमानी सजन जाने रे सजन में तो सजन जाने चिर सो रूठे तुम भये अभिमानी सजन जाने सजन में तो जान एक सूझ मोरी मान तुम मोरी चुनर छूलो हम सब जे पिया अंग लगाए प्रीत पाए तुम अभिमानी के अभिमानी सजन जाने सजन जाने चिर सो रूठे तुम भये अभिमानी सजन जा सजन जाने चिर सो रूठे तुम भये अभिमानी सजन जाने एक सूझ मोरी मानो तुम मोरी चुनर छूलो हम समझे पिया लगाए प्रीत पाए तुम अभिमानी के अभिमानी सजन जाने जाने रे सजन जाने रे सजन सजन जाने जाने रे सजन मैं तो ख्याल वालों की ठुमरी कुछ ऐसी ही होती है, दूसरी तरह की नहीं होती। कभी कभी हम प्रभु से लड़ियाते भी तो हैं। सूफी के सादे शब्दों में ये सच्चा मीत, ये सांची प्रीत क्या है? वो प्रीत जिसमें अहंकार का अंधेरा न हो, जो मन को छू लेने के लिए अपने आप में एक महान पावनता रखता हो। ये मन ही है जिसकी गति से सूफी अपने आप को भूल परम गति को प्राप्त हो जाता है।
राग वृंदावनी सारंग में भी कहते हैं, हमारे घराने में जो जो काम हुआ है वो यूं है कि खान साहब की निगाह इस बात पे बहुत थी कि यार हर वक्त सखी सहेली और सास ननंद और जब से गए मोरी सुदहू न लीनी, ये तो गा गा के थक गए लोग और कुछ बासी सी लगने लगी ये अस्थाइयां, कुछ और भी सोच विचार हो, कुछ जिंदगी में कुछ और भी बात होती है, तो इसमें कुछ उसका जिक्र भी है। मन रे अपन सो सांचो कही, अपने ही साथ सच बोलो, दूसरे के साथ सच बोलने से ज्यादा अच्छा है कि मैं खुद ही अपने आप को देख लूं कि मैं सच्चाई पे हूं या नहीं, क्योंकि जोई आत्म सोई परम रे। आत्मा क्या है, परमात्मा ही का तो रूप है, वही आत्मा महान भी हो जाती महात्मा भी हो जाती पर परम हो जाती, तो परमात्मा बन जाती है खुदा ईश्वर परमात्मा तो अपने अंदर ही है, मैं ही उसका हिस्सा हूं। सोई परम रे, और फिर परमात्मा से मिलन कैसा होता है, मितुरंग परम पाए, जब वो परम को प्राप्त होता है तो वो कैसा होता है, जल जल में गगन में गगन रे, जैसे जल के अंदर जल मिल जाता है पता ही नहीं लगता कि दूसरा जल कौन सा था और पहला कौन सा था, और गगन के अंदर से गगन गगन के अंदर से निकल के गगन गगन में ही चला जाता है, तो वो शक्ल हो जाती है आत्मा की परमात्मा की। मैं समझता हूं ये भी एक अस्थाई बनाने का या बात करने का एक निराला ढंग है, तो ये कुछ नया नया काम हमारे घराने में इंदौर घराने में हुआ है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से देखा और सोचा जाए। मन रे अबन सुन सांचो रही जोई आत्म सोई परम रे अदम रंग परम पाए, तो रंग परम पाए, जल जल गगन में गगन गगन रे अपने ही सोचे एक नए राग शाम भूप में पंडित जी ने यही बात एक और ढंग से भी कही है। Yeah.
अब सुनिए कि बंदिश कैसे बनती है। पंडित जी ने एक जगह कितनी खूबसूरती से समझाया कि बंदिश ऐसे बनती है जैसे सीप का मोती। और सच तो यह है कि सीप के मोती का सुप्त रिश्ता किसी न किसी नूर की बूंद से होता है, उन्हीं की आवाज में। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो मैं गीत लिखता था शुरू से, संगीत भी, फिर वो संगीत और गीत इकट्ठे जुड़ते चले जाते थे। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुखड़ा जो है ये इसके शब्द पहले बने या सुर कभी इकट्ठे बने। कभी ये हुआ कि थोड़ा सुर पहले सूझे या सुर कुछ पावरफुल थे, बोल भी बीच में आ गए। कभी बोलों को गुनगुनाना शुरू किया, सुर ने मदद की। तो इस तरीके से यूं नहीं आप कह सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे सीप का मोती होता है, बरखा होती है, कौन जानता है कौन बूंद सीप में गिर जाएगी और मोती बन जाएगा। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे ही होता है, गीत का जन्म इसी तरीके से होता है। कब कहां मुद्दों तो आदमी लगा रहता है, कोई सोचता ही नहीं, तो ऐसा होता है। लो मैंने एक दो मुखड़े मेरे लाहौर के बने हुए थे, अंतरे नहीं बने, परसों नहीं बने। एक यमन की अस्थाई है। अब वो अस्थाई तो बनी हुई, अंतरा नहीं सूझा। मैं इंदौर से वापस आ रहा हूं और संध्या का समय है, रतलाम जाना है मुझे, वहां से मुझे फिर डीलक्स कैच करके दिल्ली आना है। तो रतलाम से पहले और बिटवीन इंदौर एक छोटे से स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुक गई है और मैं अपने कंपार्टमेंट में अकेला हूं। संध्या का समय है, सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ है, कुछ छोटे मोटे स्टेशन के ऊपर कुछ कोई कोई चाय पीने वाला, कुछ ऐसा हल्की कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। तेरे सजनी सांज सलोनी रे सजनी सांज सलोनिया कर सिंगार चलो पिया द्वार चलो मन की आस सब ले ओ पुजारे सजनी सांज सलोनिया। ये मैंने लाहौर में बनाया था 47 से पहले, कितनी मेरी उम्र होगी, लेकिन अंतरा नहीं बना। फिर मैं जैसे बताया आपने इंदौर से वापस आते मीत मिलन के अकुलाने जुग बीत लाओगे जागे भाग सुहाग पूजाऊंगा नितरंग राग तोरे मन की बात बनाए सजनी साज से लूं। उसका फ्लेवर लैंग्वेज का भी तो बेटा मिलना चाहिए। जहां इस हिंदुस्तानी गीत परंपरा एक तरफ सच्चे मीत इस मितवा का दर्शन देती है, वहीं उसका विपरीत रूप एक जोगी का रूप इसे भी
आवाहन देती है। और अब देखिए कैसे कैसे जोगी का रूप उभर कर आता है पंडित जी की बंदिशों में। राग सरपर्दा बिलाविल में ये बंदिश, अंदाज कितना अनोखा। अरे ओरे जोगिया, जीवन ही से बड़ा और कोई जीवन नहीं। दोनों में से सूफी इसी का सुख मांगता है।